एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकल ट्यूबर पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपको जो डायबिटीज़ बीमारी होती है उसको आप कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं। डायबिटीज़ बीमारी एक बहुत बड़ी बीमारी है और ये बहुत ही कॉमन बीमारी है। आज के टाइम में बहुत सारे इसके पेशेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो एक बढ़ते हुए शुगर को आप किस तरीके से कंट्रोल में कर सकते हैं? अगर आपकी कंटिन्यूस मेडिसिंस भी चल रही हैं तो मे बी आपकी मेडिसिन छूट जाएँ और आप अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल में रख सकते हैं। तो डायबिटीज़ में आपको कुछ फूड्स हैं जो अपने डाइट में ऐड करने हैं। नंबर वन, करेला। करेला एक ऐसा फूड है जिसमें कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो आपके इंसुलिन लेवल को कंट्रोल करते हैं। मतलब ये डायबिटीज़ में होता क्या है कि डायबिटीज़ में आपका इंसुलिन हार्मोन कम सिक्रीट होता है पेनक्रियाज से, तो इंसुलिन हार्मोन को कंट्रोल में रखता है करेला। तो करेला आप अपने फूड में ऐड कर सकते हैं, बट करेला एक ऐसा फूड है जो कि हर किसी को पसंद नहीं होता, बट आप अपनी हेल्थ के लिए करेला का इस्तेमाल ज़रूर करें। करेला आप सब्जी के फॉर्म में ले सकते हैं, अदरवाइज आप करेला को जूस के फॉर्म में भी ले सकते हैं। अगर आपको जूस भी पसंद नहीं है तो आप इसको पाउडर के फॉर्म में भी ले सकते हैं। आप इसका चूर्ण टाइप का बना सकते हैं जिससे आप सुबह शाम अपने उसे लेंगे तो आप अपना उसको इंसुलिन को कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर टू आपका इसमें कद्दू आता है। कद्दू को अगर आप अपने फूड में ऐड करेंगे तो उससे भी आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में रहेगा। कद्दू एक आपको ऐसा फूड है जो कि सारे सीजन्स में मोस्टली मिल जाता है, तो आप कद्दू को इजीली ऐड कर सकते हैं और कद्दू आपको टेस्ट भी आएगा। नेक्स्ट फूड है आपका जामुन। जामुन को आप अपनी डाइट में ऐड कीजिए। जामुन वैसे तो एक सीजनल फ्रूट है, मतलब एक सीजन में भी आपको मिलता है, बट आप इसको जब सीजन इसका होता है तो आप 10 से 15 जामुन आप डेली बेसिस पे खाएंगे तो वो आपकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और आपका जब इसका सीज़न नहीं होता तो आप इसका जो सीड होता है जिसे कॉमनली गुठली कहते हैं, तो आप गुठली को उसका पाउडर बना के रख सकते हैं और जब इसका सीज़न नहीं है उस टाइम पे आप इसके पाउडर का सेवन कर सकते हैं जिससे आपका शुगर बहुत हद तक कंट्रोल में रहता है। तो कुछ इस टाइप के फूड्स हैं। एंड आपका जो फ्रूट में अगर बात करें तो आपका एप्पल है और जितने भी आपके विटामिन सी वाले फ्रूट्स होते हैं वो काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं आपके डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए। अब जो हम नॉर्मल डाइट लेते हैं, हमारा जो नॉर्मल खाना होता है, उसमें हमारे जो कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं जो कि आपके कुछ उसमें ऐसे होते हैं जो आपकी डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, कुछ आपकी डायबिटीज़ के लिए हार्मफुल भी रहते हैं। सपोज़ जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट पे बात करें, मैक्रोन्यूट्रिएंट जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, लिपिड्स हैं, तो इसमें जो आपका कार्बोहाइड्रेट है वो आपका मेन शुगर। कार्बोहाइड्रेट को आपको अपने फूड में से निकालना है और प्रोटीन को ऐड करना है। जितनी भी लिपिड फैट होता है उसको आप अपने फूड से कम करिए। आप जितना भी ऑयली खाना एंड कार्बोहाइड्रेट खाना बंद करिए। आप अपने खाने में फाइबर्स एंड प्रोटीन्स का इस्तेमाल करना ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करिए जो आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करेगा। तो ये कुछ हेल्थ टिप्स हैं जो कि आप अपने शुगर को कंट्रोल मेंटेन करने में हेल्पफुल होंगे। एंड डायबिटीज़ जो पेशेंट होते हैं, डायबिटिक पेशेंट के लिए एक ज़रूरी है कि आप अपने शुगर को पता करें कि आपका शुगर क्या है। जैसे जो नॉर्मल पेशेंट होते हैं उनमें जो आपका फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है वो आपका 100 तक होना चाहिए। खाना खाने के बाद आपका जो शुगर है वो 140 मिलीग्राम पर डीएल तक होना चाहिए। ज़्यादा अगर आपका ब्लड शुगर आ रहा है तो आपको ये फूड्स एंड आपको डॉक्टर की कंसल्ट भी करनी चाहिए और आपको अपने रेगुलर बेसिस पे अपने डायबिटीज़ के जो जितने भी चेकअप होते हैं वो करा लेने चाहिए। डायबिटीज़ टेस्ट के लिए मैंने प्रीवियस वीडियोस भी काफ़ी बना रखे हैं, उनमें आप देख सकते हैं शुगर के लिए कौन सा टेस्ट बेहतर है, कौन सा टेस्ट की कितनी रेंज आनी चाहिए, सारी चीज़ें मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। एक टेस्ट होता है HbA1c, वो आपका 3 मंथ का एवरेज बताता है आपकी बॉडी में कितना ग्लूकोज रहता है, मंथ में कितना इंक्रीज हुआ कितना डिक्रीज हुआ, उसकी लेवल आपकी HbA1c टेस्ट के थ्रू पता चलती है। तो उसकी जो लेवल होती है वो 6.5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उससे अंडर में है तो इसका मतलब आपको शुगर नहीं है। अगर उससे बढ़ता है, आपका फ्लक्चुएट करता है, दैट मीन्स आपको डायबिटीज़ है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। थैंक यू सो मच।